हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका टीवी है और वहां पर आपका जो ये रिमोट का पावर बटन वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि हम लोग यहां पर इसको प्रेस कर रहे हैं बट यहां पर ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपको इसको फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे जो हमारा टीवी का पावर बटन वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका टीवी है आपको आप यहां पर जैसे ये चल रहा है अभी, आपको अनप्लग कर देना है, एकदम पावर निकाल देना है, ठीक है। और 30 सेकेंड्स का वेट करना है आपको। 30 सेकेंड्स के बाद आपको क्या करना है, वापस से ये अनप्लग कर दे, इसके अंदर प्लग कर देना है आपको, ठीक है। वापस से आपको पावर ऑन कर लेना है और चेक करना है कि जो आपका पावर बटन है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिलहाल अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, जो आपका रिमोट है आपको क्या करना है, जो ये बैटरी इसका सेल है आपको निकाल देना है एक बार, दोनों के दोनों, ठीक है। मैं यहां पर जो मेरा रिमोट है इसके दोनों के दोनों सेल निकाल देता हूं। ओके, यहाँ पर मैंने अपने रिमोट के दोनों सेल्स निकाल दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका रिमोट है, चाहे आपका रिमोट कोई भी कंपनी का हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सार जो क्या होता है, कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपके ये पावर बटन, मान लो कोई भी बटन है, आपका जैम हो जाता है, स्टक हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ डस्ट चला गया हो या फिर आप पानी वगैरह गिर गया हो या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय वगैरह कुछ इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जैम हो जाता है। तो इसको आपको कैसे ठीक करना है, आपको यहाँ पर 5 टाइम इसको बटन को प्रेस करना है, ठीक है। 5 से 10 टाइम आप इस बटन को प्रेस करते रहिए, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से 30 सेकंड के लिए दबा के रखना है आपको, ठीक है। दबा के रख लीजिए 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपको जितने भी ये सारे बटन हैं यहां पर, ये जितने भी सारे बटन हैं यहां पर, आपको सारे के सारे प्रेस करते रहना है। मतलब आपको कम से कम 20-25 बार सभी बटनों को, इसको पावर बटन को सभी को प्रेस करते रहना है, ताकि आपका जो ये डस्ट है यहाँ से निकल जाए। हो सकता है इसमें कुछ जैम लग गया हो, स्टक हो गए हो बटन, आपके यहाँ पर वर्क करने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, सारे बटनों को प्रेस करते रहना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी के सभी बटन मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर सारे बटनों को प्रेस कर देना है, ठीक है। 30 सेकंड होने के बाद आपको यहाँ, जैसे आपने 30 सेकंड प्रेस किया था, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से जो आपके बैटरी सेल्स हैं यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों को दोनों सेल्स लगा दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपका पावर बटन है अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमारा अभी जो पावर बटन था अभी वर्क करने लग गया है, काम करने लग गया है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका एक सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, इजीली तरीका है। आप यहाँ से भी इसको, जो आपका ये पावर बटन होता है यहाँ नीचे टीवी के जस्ट नीचे, MI TV अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बटन होता है पावर का, आप वहाँ पर भी प्रेस कर सकते हो। फिलहाल हमारा रिमोट अभी वर्क करने लग गया है, अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा टीवी ऑन हो चुका है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपका रिमोट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, आपका रिमोट ठीक हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।